आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। सरकारी जमीन पर सबसे पहला स्थानीय निवासियों का होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि सरकार अधिकारियों के सहयोग से भू माफिया से मिलकर जमीन लूट में लगी है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आदिवासी संगठन के अध्यक्ष प्रेम साय मुंडा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज भू माफिया आदिवासी जमीन पर आकर बैठे हैं और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें प्रशासन, वीडियो, सीओ सारे की मिलीभगत है। उनके मिलीभगत से ही हमारे सारे जमीन आज लूटे जा रहे हैं और यह बहुत शर्म की बात है। जिस प्रशासन को हमारा रक्षा करना चाहिए, वह प्रशासन ही हमारे जमीन को लूट रही है। आज हम लोग आदिवासी जन परिषद और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा सहित सभी सामाजिक संगठनों के साथ हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति थाना आए हैं। हर बार आते हैं जमीन की मामले को लेकर, और जब भी हमारे लोग जमीन पर जाता है तो आदिवासी बोल कुकुर बोल करके भगा देता है। तो इसी को लेकर के ये जो है आपको करमटोली में एसएन यादव के बगल में जो है सामने जमीन है, 169 खाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है भूमिहरी जमीन आदिवासी भी नहीं खरीद सकता, कैसी भूमाफिया खरीद रहा है। इसी को लेकर के हम लोग एफआईआर करने के लिए आए हैं और हम मांग करना चाहते हैं कि भूमाफिया जो हम लोग जब गए थे कल, हम लोग मना करने के लिए हमारे लोग गए थे तो बोला जा रहा था दीपक सिंह नामक एक लड़का है, वो बोल रहा था कि आप लोग एक्ट मालूम नहीं है, आप लोग को जमीन की जानकारी नहीं है। तो मांग करना चाहता हूँ थाना प्रभारी से और यहाँ के प्रशासन से कि अविलंब जो है ST SC SOCT एक्ट 1989 के तहत गिरफ्तारी किया जाए। यदि गिरफ्तारी नहीं करता है इस पर आगे हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, यहाँ के SP से मिलेंगे, DGP से मिलेंगे। यही प्रक्रिया में हम लोग आए हैं और उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। आपको लगता है कि आदिवासियों को अपने एक्ट की इतनी जानकारी नहीं है जिसका फ़ायदा भू माफिया और कई मिडिल बिचौलिया उठाते हैं, आपको लगता है? ये सही कहा आपने, आदिवासियों को बहुत प्रशिक्षण की ज़रूरत है। आम आदिवासी को आदिवासियों का एक्ट, CNT एक्ट, SPT एक्ट की सामान्य जानकारी भी नहीं है, जिस कारण भूमाफिया और कुछ अथवकील भी उनके एक्ट को एक्सरसाइज करके भूमाफियाओं को जमीन को बेच देते हैं। और मैं ये 169 खाता की जो बात बोल रहे हैं, जो नगरा टोली में कौन मौजा पड़ेगा, हाथमा मौजा के अंतर्गत पड़ता है, तो उसमें वही फर्जी हुक्मनामा बना के आया है। कोर्ट में गए थे, कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट डिसीजन दिया कि भाई आप जमीन सही जमीन क्या है इसको आप सत्यापित करिए। तो बहुत माफिया लगे हुए हैं, शहर का जमीन है, तो इसीलिए हम लोग को हमारे जो आदिवासी समाज जिसको जानकारी नहीं है, जानकारी हम गवर्नमेंट से भी मांग करना चाहते हैं। कल्याण विभाग के अंतर्गत बहुत सारे राशि है कि आदिवासियों को इस पर ट्रेनिंग दी जाए एक्ट को लेकर के, और जो माफिया वहाँ पर जो है दीपक सिंह और अन्य जो बना रहे हैं उसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत गिरफ्तारी। कई बार ऐसा होता है कि जो जमीन की कीमत 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख होती है उसको मात्र 1 या 2 लाख में खुद बेच देते हैं, खुद आदिवासी में, उनको ये वैल्यू भी नहीं पता होता है कि कितना वैल्यूएबल मेरा जमीन है। मैं तो कहा कि आदिवासियों की जानकारी नहीं है। क्यों हम हमारे आरक्षित वर्ग ST SC आरक्षित वर्ग इसलिए हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सभी चीज़ों में हम लोग बैकवर्ड हैं। इसी को प्रशासन के रूप में हम लोग काम करेंगे। वो 2 लाख में बेचे या 10 लाख में बेचे, आप कानूनन रूप से आप बेच नहीं सकते हैं। देश संविधान और कानून से चलता है, कोई भी आदमी गैरकानूनी काम नहीं कर सकता, लेकिन गैरकानूनी काम करके भूमाफिया लोग हमारे आदिवासियों को ठग ठगा करके उसको जमीन को लेने का काम। लेकिन कई बार आम जनता ये कहती है कि ये जो जमीन है आदिवासी, इस पर वो खुद कुछ नहीं कर रही है और सरकार को नहीं दे रही, सरकार को देती तो शायद डेवलपमेंट आज झारखंड यही हो रहा था। इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार को क्यों देंगे, सरकार मांगेगी तब तो देंगे, सरकार मांगेगी तब दिया जाएगा कि आप क्या प्रोजेक्ट लगाएंगे, रोड बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे, और इसे तो हम लोग देंगे नहीं। हम लोग अपनी ज़मीन पर रखें। देखिए, आदिवासी का जन्म ही जमीन और धर्म से हुआ है, जमीन और धर्म के बिना आदिवासी नहीं रह सकता, उनकी आत्मा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, रांची शहर में इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो माफिया प्रसाद, मतलब क्या बोलेंगे, प्रशासन के लोग भी मिली भगत के साथ उसकी भाई लेते हैं। इसीलिए तो हम लोग आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर न्याय के लिए आए हैं।
कर्मचारी की कल्चर ऋतु हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ पर ऐसा आ रहा है कि वीडियो सीओ सब मिले हुए हैं। मनरेगा योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है जिससे आदिवासियों का जमीन है, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, मनरेगा हो चाहे आप रेवेन्यू सेक्टर हो चाहे अन्य विभाग के जो है, हर जगह घोटाले का भरमार है और हम लोग इसी को लेकर के लड़ रहे हैं। हर जगह नरेगा में भी लिखा पढ़ी किए हैं हम लोग और ज़मीन पर भी लिखा पढ़ी किए हैं। बहुत अभी जो जितने सीईओ बन रहे हैं ना अंचल अधिकारी जी, उसको सीएनटी एक्ट एसपीटी का सामान्य जानकारी नहीं, वो भी एन कैन प्रकरण जो है दाखिल खारिज कर देते हैं, बाद में जब डीसी के पास आते हैं तो देखिए गलती कर दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप देश में यदि रहते हैं तो रूल ऑफ लॉ संविधान कानून से बात करना पड़ेगा। देखिए जितना दिन लोगों को बुड़बक बनाना था बन गया लोग, लेकिन अब आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करने जा रही है और निश्चित रूप में सड़क से लेकर सदन तक आदिवासी समाज अब आने जा रही है। और जितने भी लोग गलत तरीक़ा से कागज़ बना के ज़मीन का लूटपाट हुआ है उसका अब हम लोग सरना समिति हो या आदिवासी जन परिषद हो या विभिन्न तरह के जो आदिवासी संगठन हैं, सारे लोग मिलकर इस धोखा किए हुए लोगों को हम लोग जेल भेजने का काम। ये जो एसटीएससी अनुसूचित थाना है, इनका रोल है आप लोगों की सहायता करना, क्या ये थाना अपने मकसद में पूरा हो रही है? देखिए मदद हम लोग को पूरा मिलता है और निश्चित रूप में प्रेम साहिब जी ने बताया कि लगातार इसमें कार्रवाई हो रहा है और हम लोग और ज़ोरदार तरीके से जितने भी गलत तरीक़े से जो कागज़ बना के आदिवासी समाज का जो ज़मीन को लूटा है उसको हम लोग निश्चित रूप में जेल भेजने का काम करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।